होगा। आप लोग लगभग डेढ़ महीना पहले जब अपने एजुकेशन पे बैठे थे तो सबसे पहले बुलाकर मैंने पहले दिन आपके आने से पहले आपको पत्र दिया था, शायद आपको दिखाया भी गया होगा। हमने एल जी साहब को लिख दिया था कि हम उनकी मां डिमांड से एग्री करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था और उन्होंने आदेश दिए थे कि भाई इनकी डिमांड बिल्कुल जेन्युइन है, इक्वल वर्क कल पे हम मानते हैं, इसको करते हैं। हमने पत्र लिख के एल जी साहब के पास भेज दिया था, नोट बना के भेजा था, फाइलिंग पत्र नहीं था, नोट था। एल जी साहब ने, आपको पता ही होगा, शायद आपसे मिले भी होंगे, मिले थे? अच्छा, नहीं मिले। तो एल जी साहब को भेजा था तो उन्होंने सारे डिमांड को मानने से मना कर दिया था, परंतु उन्होंने साथ साथ ये भी कहा था क्योंकि मंत्री जी ने लिखा है इसलिए पूरे देश के जो भी देश के उनको कंपेयर किया जाए, मेरे पास सर्विसेज के थ्रू फाइल भी मिल जाए। मैं आज आपको क्लियरली बता देता हूँ, किसी चीज़ का उसमें गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। सरकार अपनी तरफ से तैयार है, पहले भी तैयार थी, आज भी तैयार है। हम अप टू 100%, 100% नहीं है, ध्यान रखना, अप टू 100%। हमने कहा है कि 100% तक का इंक्रीज दे दिया जाए। अप टू 100 का मतलब ये है कि किसी की सैलरी दिल्ली सरकार में कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की मान लो 40,000 है, आपको मिलते हैं 20,000 तो आपको 40 मिल जाएंगे, आपको मिलते हैं 30,000 तो अगर आपको अगर 30,000 रुपये मिलते हैं, 60 नहीं मिलेंगे, 40 ही मिलेंगे, मैक्सिमम 40 जो दिल्ली सरकार के अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई को मिलते हैं, मैक्सिमम उतना। ये कंडीशन लगा के मैं दोबारा से फाइल बना के आज मैं भेज दूंगा और शाम को आपके लोग आ जाएं मेरे पास ऑफिस में आ जाएं, लिखित में भी आपको भेज देंगे, अपने शासन में भेज के कर रहा हूँ। तो इसको हम अप टू 100%, ध्यान रखिएगा 100% नहीं है। आपको मैंने सुना है कि ट्विटर पे चला रखा है, फेसबुक पे चला रखा है 100%। कुछ को 100 मिलेगा जिनकी तनख्वाह बहुत कम है, जिनकी तनख्वाह मान लो किसी की पहले से 80,000 1,00,000 रुपये है और 1,00,000 की 1,10,000 होनी है तो 1,10,000 ही होगी, उसकी 2,00,000 नहीं होगी। अगर 20,000 है और कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई की दिल्ली सरकार में 60,000 है, सुन लो एक और क्वेश्चन, सुन लो पहले, आपको पता होना जी, मान लो किसी को यहाँ पे 15,000 मिलते हैं, मैंने कहा आपको 100%, कॉन्ट्रेक्चुअल 40 मिलते हैं, मैंने अप टू 100 का तो 30 ही मिलेंगे उसको, मतलब उतने से ज़्यादा नहीं मिलेंगे और जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई उससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे, उतने तक कर देंगे, हम इतने इसके लिए तैयार हैं और हम इस बात को मान रहे हैं, आगे भेज रहे हैं। दूसरी बात बताया तो इस सारे प्रोसेस में समय लगेगा, आप ये सोचिए कि कल से अगली तनख्वाह आपको बढ़ के मिल जाएगी, पॉसिबल नहीं है। आज दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन तो मैं कह नहीं सकता, राज्यपाल शासन जरूर है। अभी जो शासन चल रहा है, राज्यपाल का शासन एक तरह से चल रहा है दिल्ली के अंदर, उनकी मर्जी से जो होता है, सब कुछ उनकी मर्जी से होता है। हम अपनी तरफ से करके पूरा प्रपोजल दोबारा से बना के प्रॉपर डिटेल में बना के एल जी साहब के भेजेंगे, अप्रूवल उनसे ही मिलेगी, पूरी आशा करते हैं। मुझे जाना होगा मैं भी जाऊँगा और हो जाना चाहिए। तो कंडीशन अगर मैं कंडीशन नहीं लगाता नहीं बता देता हूँ, आपके कुछ लोग कहते 100% बढ़ा हो सकता, मैंने कहा नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, जो पॉसिबल ही नहीं है उस चीज़ को लिखने का फ़ायदा भी नहीं है। और जैसे मान लो डॉक्टर्स का है, अब डॉक्टर्स को पहले मान लो 70,000 मिलते थे तो उनके 1,40,000 नहीं होंगे, अगर सरकार में 1,10,000 मिलते तो 1,10,000 होंगे, जितने मिलते हैं दुगने करेंगे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम जितना उतना बन के पूरा डिटेल्ड प्रपोजल बना के। और दूसरा दो तीन चीज़ें और मैंने अपनी तरफ से कह दी हैं, जैसे मान लो जो एजुकेशन पीरियड की छुट्टियाँ हैं हमारी, भाई 1.5 महीना हो गया आप लोगों को, तो मैंने लिखा है कि भाई इसको ना जिसके बाद भी छुट्टियाँ हो उसमें एडजस्ट कर लो, ये कर देंगे भाई, आप छुट्टियाँ एडजस्ट करा सकते हो, नहीं कराएंगे तो बात अलग है। दूसरी बात, आपकी शायद मेडिकल लीव 10 थी पहले, तो उसको जैसे मैंने माना था अभी 15 कर रहे हैं, उसको भी कर देंगे। और दो तीन चीज़ें मैंने बता दी है, मेन चीज़ वही है कि अप टू 100% सैलरी पे करेंगे। धन्यवाद, जय जय भारत। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, उसके बाद दो बात मैं बोलूँगा ध्यान से सुनो। माननीय मंत्री स्तंभर जैन जी की, जैन साहब की एक मिनट जैन साहब, हम आपका धन्यवाद बुक्कू के साथ में एक बार बुक्का भेंट करना चाह रहे हैं जी, और भूपेंद्र जी की और जो हमारी ये लड़ाई थी, हमारी यही लड़ाई कहीं बराबर तनख्वाह देनी चाहिए, सरकार तनख्वाह देनी चाहिए, यही लड़ाई थी।
बंदा अपना देख रहा है, अपने बंदे खुश हैं। आज माननीय मंत्री जी ने अपने मुख से ये बात हमारे